वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर। अल्फा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका ट्यूटर, आपका स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं बिटमैप में मोड के बारे में। तो मोड का मतलब क्या है कि भाई हमने जो भी इमेज ली हुई है उसका हमें क्या करना है, मोड चेंज करना है। मतलब उसका जैसे CMYK मोड होता है तो उसको RGB में कन्वर्ट करना है या ब्लैक एंड व्हाइट में करना है, इस टाइप से हमें क्या करना है, उसका मोड चेंज करना है। तो कहां से करेंगे, ये मोड ऑप्शन से करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम इमेज पर क्लिक करेंगे, बिटमैप में जाएंगे और मोड पर क्लिक करके, जैसे आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, देखिए ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और ये चेंज करने के बाद इस टाइप से आपको दिखेगी। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट, अब ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए ये आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे लाइन आर्ट में अगर आप करोगे तो इस टाइप से ऑर्डर, तो जैसा आप यहां से करना चाहते हैं उस टाइप से आप यहां से चेंज कर सकते हैं। इसके इंटेंसिटी आपको अगर चेंज करना है तो आप यहां से उसकी इंटेंसिटी क्या है ये चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखिए है आ रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये चेंज कर सकते हो। जैसे पोस्टराइज बनाना है या कुछ बनाना है तो आप यहां से करना है तो ओके करेंगे। अगर हमें क्या करना है, हमने ये जो बनाया हुआ है मतलब ये ओरिजिनल जो है अगर इसी के ऊपर अप्लाई करना है तो यहां क्या करेंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, एक मिनट सॉरी रिसेट, फिर से कैंसिल करता हूं एक बार। बिटमैप मोड पर क्लिक करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट, तो यहां से आपको जो चाहिए आप यहां से कर सकते हो। प्रीव्यू का मतलब क्या है कि हमने यहां जो किया हुआ है वो आपको सेम यहां दिख जाएगा, या ये प्रीव्यू का मतलब ये है कि भाई आप जो करते हो वो आपको ये इसके ऊपर अप्लाई करना है तो आप प्रीव्यू से भी कर सकते हो। तो आपको यहां से जो करना है, ऑप्शन अप्लाई करना, आप यहां से कर सकते हो। करना है तो ओके करेंगे, अदरवाइज कैंसिल करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं आगे में ये मोड। जैसे अब ये ग्रे स्केल है, मुझे ग्रे स्केल में चाहिए, क्लिक कीजिए, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन ग्रे स्केल में कैसा होता है, क्लियरिटी अच्छी होती है। चलिए तो आपको जैसा चाहिए आप यहां से ले सकते हो, आपको जिसमें भी चाहिए। ये अभी कौन से मोड में, RGB में है, मुझे CMYK में कन्वर्ट करना तो CMYK में करेंगे। अब एक्चुअली होता क्या है कि भाई जब हम हमने जो भी बनाया हुआ है, मान लीजिए RGB में बनाया हुआ है और जहां मैं प्रिंट निकालता हूं वहां तो CMYK चलता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट यहां से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसकी जो क्लैरिटी है वैसी निकलेगी जैसा आपने यहां से कन्वर्ट किया होगा, समझे। तो जो प्रिंट निकाला जाता है उसमें कौन सा फॉर्मेट चलता है, कौन सा मोड चलता है, यहां से आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझे। अब अगर मान लीजिए मैं डिजाइन बना रहा हूं, कुछ बना रहा हूं और ये जो इमेज है ये तो RGB है लेकिन मुझे क्या चाहिए, CMYK में चाहिए, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कहां से कन्वर्ट करेंगे, बिटमैप मोड, और यहां से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने जो ऑप्शन लिया हुआ है, आपने जो डिजाइन बिटमैप लिया हुआ है उसको आप क्या कर सकते हो, यहां से चेंज कर सकते हो। ओके करेंगे, चेंज हो गया। अब ये कौन से मोड में हो गया, CMYK, समझे। चलिए बिटमैप में जाएंगे, ये समझ में आया, तो आप यहां से जो चाहे वो चेंज, जिस मोड में चाहे वो उस मोड में आप चेंज कर सकते हो। चलिए अब हम आगे ये वाले ऑप्शन देखते हैं, 3D इफेक्ट। जैसे ये इमेज है इसको मुझे क्या करना है, 3D इफेक्ट अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, 3D रोटेट में जाएंगे और मुझे इसको 3D रोटेशन देना है। इसको देखिए यहां से आपको डायरेक्ट आप यहां से मूव कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रीव्यू करेंगे, देखिए मूव हो गया वो, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो उसको, हाँ जी बिल्कुल, व्यू दे सकते हैं, 3D व्यू दे सकते हैं। आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर यहां से भी कर सकते, देखिए समझ में आया, तो इस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। कैंसल, बिटमैप में जाएंगे, 3D सिलेंडर, मुझे सिलेंडर वाला मतलब राउंड या मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल उसमें मेजरमेंट देना है, चेंज करना है, सिलेंडर इफेक्ट देना है। देखिए देखते हैं हम, ये हॉरिजॉन्टल है, मैं इसको जरा बढ़ा देता हूं। प्रीव्यू देखिए क्या हुआ, ठीक है मैं एक मिनट कैंसिल करता हूं उसको, थोड़ा इस साइड में करता हूं। बिटमैप 3D, मुझे कम करना है प्रीव्यू, समझ में आया, रिसेट करेंगे जैसे का वैसा आएगा, वर्टिकल प्रीव्यू, तो समझ में आया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, रिसेट। अच्छा यहां देखिए ये आपको व्यू दिखेगा, यहां क्लिक कीजिए तो यही के यही आपको उसके दोनों व्यू दिखेंगे,
ये ओरिजिनल और जिस पर अप्लाई होगा ये, तो आपको यहां दिखेगा। आपको सिंगल व्यू चाहिए तो यहां क्लिक कीजिए, तो आप जो अप्लाई करोगे यही के ये दिख जाएगा। और अगर हमें नहीं चाहिए फिर से निकाल दीजिए तो वो यहां दिखेगा। समझ में आया? चलिए कैंसल। उसके बाद बिटमैप में जाएंगे, 3D इफेक्ट, एम्बॉस, एम्बॉसिंग आपने देखा हुआ कुछ उभरा हुआ, एम्बॉसिंग पर क्लिक करेंगे। चलिए देखते हैं, प्रीव्यू करते हैं फिलहाल में। ये देखिए दिख रहा है आपको एम्बॉसिंग, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को एम्बॉसिंग इफेक्ट दे सकते हो। ये एम्बॉसिंग, इसकी डेप्थ आपको कम या ज्यादा करनी है तो आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं। प्रीव्यू करेंगे, देखिए आपको लेवल कितनी कम ज्यादा करना है, प्रीव्यू इस टाइप से कर सकते हैं। समझ में आया? ये देखिए किस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन दे रहा है, इस डायरेक्शन में आपका एम्बॉसिंग हो रहा है। मैं इसको चेंज करता हूं, इस डायरेक्शन में करता हूं, प्रीव्यू चेंज हुआ, तो इस तरह से कर सकते हैं। रिसेट करेंगे। अच्छा एक बात और, ये जो एम्बॉसिंग हो रही है ये कौन से कलर में हो रही है, ग्रे कलर में। देखिए अगर आपको ब्लैक कलर में चाहिए तो ब्लैक पर क्लिक कीजिए, प्रीव्यू कीजिए, आया, रिसेट। आपको और कोई कलर चाहिए या ओरिजिनल कलर में चाहिए तो वैसा भी आप ले सकते। चलिए बिटमैप, 3D इफेक्ट, पेज कर्ल। पेज कर्ल का मतलब क्या है, जैसे पेज पलटाने वाला जो इफेक्ट होता है, फोल्ड करने वाला इफेक्ट अगर मुझे देना है तो पेज कर्ल में जाएंगे। चलिए देखते हैं मुझे किस साइड से फोल्ड करना है, तो मैं इस साइड से फोल्ड करता हूं, प्रीव्यू करता हूं, देखिए फोल्ड हुआ, ऐसा लग रहा है कि फोल्ड हो रहा है। चलिए मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए तो जिस डायरेक्शन में चाहिए एक बार में एक ही डायरेक्शन में होगा, प्रीव्यू, ओके। ये वर्टिकल हुआ, आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, प्रीव्यू, देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर आपको इसको फोल्ड बढ़ाना है, हाइट विड्थ बढ़ानी है, तो आप यहां से बढ़ा सकते हो। देखिए समझ में आया, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो। चलिए उसके बाद में पेज कर्ल, तो ये जो इसका कलर आपको दिख रहा है ये आप यहां से कलर भी उसका चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल में ट्रांसपेरेंट है, आपको ओपेक चाहिए, प्रीव्यू, देखिए अब ट्रांसपेरेंट दिख रहा है क्या, नहीं, ये यहां देखिए, मैं ट्रांसपेरेंट लेता हूं, अप्लाई। समझ में आया? अच्छा ये जो बैक कलर है, पीछे का कलर कौन सा कलर है, ये व्हाइट, क्योंकि यहां से कलर व्हाइट है। अगर आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हो, कर का कर करने का जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। समझ में आया? ओके करना है तो ओके कीजिए, नहीं तो कैंसिल करते हैं। चलिए फिर से बिटमैप में जाएंगे, इफेक्ट में जाएंगे, अब देखते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव हमने देखा हुआ है, इसमें हमें ये देखिए पर्सपेक्टिव अप्लाई है इस टाइप से, समझे, रिसेट, तो आपको जैसा चाहिए आप यहां से कर सकते हो, है, प्रीव्यू, ये पर्सपेक्टिव करना है, शेयर करना है तो आप वो भी कर सकते हो इस टाइप से, आया। इफेक्ट फिर से, अब हम देखते हैं पंच एंड पिंच। पंच मतलब इस टाइप से पंच करना है आपको, देखिए प्रीव्यू करते हैं, आया, ये पंच हुआ, अब पिंच करते हैं, प्रीव्यू, समझ में आया, रिसेट, समझिए। अच्छा ये जो हमने किया हुआ है ये क्या हुआ, ये पर्टिकुलर बीच में से हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मुझे यहां से पंच करना है, यहां से करना है, कहीं से भी करना है, तो क्या करेंगे हम, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, यहां क्लिक करेंगे और यहां से सिलेक्ट करेंगे, कहां से मुझे यहां से करना है पंच, तो यहां क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद प्रीव्यू, क्या हुआ, देखिए हुआ वहां से, तो आप पर्टिकुलर लोकेशन भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। चलिए कैंसिल करेंगे, बिटमैप इफेक्ट, उसके बाद हाँ स्फीयर, इसमें देखिए क्या है, ये भी वैसा ही है लेकिन ये एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में होता है, प्रीव्यू करेंगे, देखिए एक राउंडेड सर्कल में आया, देखिए वो मुझे अंदर करना है, समझ में आया, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो चलिए आज आप बिटमैप में इन चीजों की प्रैक्टिस कीजिए, 3D इफेक्ट की प्रैक्टिस कीजिए, बाकी हम बाद में देखेंगे। समझ में आया आप लोगों को, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया है तो ओके कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके थैंक यू वेरी मच।